पहले से तैयार था हार का मास्टर प्लान। रोहित से लेकर राहुल तक सबने दिया पूरा योगदान। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का बनाया भद्दा मजाक। पाकिस्तानी बोले, तुम बस आईपीएल खेलो। छोटी टीमों से मैच जीतकर खुद को समझ रहे थे महारथी। इंग्लैंड ने याद दिलाई असली औकात। कौन सा बैट्समैन कितने रन मारेगा, कौन सा बॉलर कितने रन खाएगा, सब पहले से जानते थे। फिर भी टीम में नहीं हुआ कोई भी बदलाव। इंग्लैंड टीम को हल्के में लेना भारत को इतना भारी पड़ा कि अब 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं जो हुआ सही हुआ। आईपीएल में ऑरेंज कैप लाने वाले राहुल ने यह साबित कर दिया कि उनको केवल छोटी टीमों के खिलाफ और आईपीएल में ही खिलाना चाहिए। बड़े और अहम मुकाबलों में राहुल को खिलाना मतलब अपनी हार को दावत देना है। अगर आज धोनी कप्तान होते तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करते। टीम इंडिया फाइनल में भी होती और वर्ल्ड कप भी जीतती, लेकिन टीम की कमान इन दिनों जिन हाथों में है वो तो बस मनमानी करना और आईपीएल खेलना जानते हैं। इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको पूरा प्लान समझाते हैं जो इंडिया ने सेमीफाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए बनाया था। केएल राहुल जिस खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं इस बात का अंदाजा तो सबको था, फिर भी किसी ने यह जरूरत नहीं समझी कि उनके बदले किसी और को टीम में मौका दिया जाए। जहां पावर प्ले में रोहित शर्मा को कप्तानी पारी खेलकर ताबड़तोड़ रन बनाने चाहिए थे, उस दौरान रोहित शर्मा कछुए की तरह अपना विकेट बचाने के लिए टुक टुक कर रहे थे। वही मौजूदा भारतीय बॉलिंग लाइनअप ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम में अच्छे बॉलरों की कितनी ज्यादा जरूरत है। जिस तरह बटलर और हेल्स ने भारतीय गेंदबाजों को धोया, उसे देखकर तो जिम्बाब्वे को भी भारतीय बॉलरों पर दया आ गई होगी। राहुल की खराब फॉर्म और रोहित शर्मा की गलत अप्रोच के कारण आज टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इंग्लैंड को जिस तरह ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय बॉलरों की पिटाई करते हुए टीम इंडिया को सेमीफाइनल से घर का बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद फाइनल में पहुंच चुके पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारतीय टीम को केवल आईपीएल खेलना चाहिए, आईसीसी टूर्नामेंट खेलना भारत के बस की बात नहीं है। ये बात तो जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को हारा है उसके बाद टीम को ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी अहम मुकाबले में एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। खराब फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों के भरोसे नॉकआउट मुकाबले नहीं जीते जाते, इसीलिए आज भारतीय क्रिकेट फैंस आज एमएस धोनी को जरूर याद कर रहे होंगे। एमएस धोनी अगर आज भारतीय टीम के कप्तान होते तो टीम में बोझ बने हुए खिलाड़ियों के होश ठिकाने लगाने में जरा भी देरी नहीं करते, और एक अहम मुकाबले में भारतीय टीम इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम को यह बात समझ में आ गई होगी कि उन्हें इंग्लैंड टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, और इस अहम मुकाबले में पूरी सूझबूझ के साथ अच्छी रणनीति तैयार करने के बाद ही मुकाबले में उतरना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम ने मुकाबला खेला और 10 विकेट से हार का सामना किया, उसके बाद 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें धुआं धुआं हो गई हैं। भारतीय टीम की हार का जिम्मेदार कौन है, और आगे ऐसे हम मुकाबलों में भारतीय टीम को ऐसी हार ना देखनी पड़े, उसके लिए भारतीय टीम को क्या जरूरी बदलाव टीम में करने चाहिए, इस बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ट्रेंडिंग खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रेंड भारत से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।